वैसे तो अच्छा नाश्ता हम सभी की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो अगर सही से ना मिले तो पूरा दिन खराब जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि दिन की शुरुआत में शरीर को एनर्जी देने वाला नाश्ता ही हमारी डेली लाइफ में अहम रोल निभाता है, इसलिए नाश्ता हमेशा हैवी करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग नाश्ते के हेल्दी होने के साथ साथ इसके टेस्टी होने की डिमांड करते हैं, ऐसे में बाराबंकी के राज फास्ट फूड का स्पेशल डोसा बेस्ट ऑप्शन है। और तो और ग्राहकों को भी यही कहना है कि इनका डोसा काफ़ी टेस्टी और लाजवाब है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी ज़िले के छाया चौराहे के पास राज फास्ट फूड का स्टॉल लगता है। इनका डोसा इतना मशहूर है कि इसका मज़ा लोग दूर दूर से लेने आते हैं। पिछले 15 सालों से इनका डोसा और मसालेदार स्वाद हर किसी को पसंद है। यहाँ आपको डोसा 3 तरह के मिलते हैं, स्पेशल डोसा, मसाला पनीर डोसा, जिसे खाने वालों की जमकर भीड़ लगती है। राज फास्ट फूड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आपको डोसा में स्वादों की वैरायटी मिलती है। यहाँ का स्पेशल डोसा काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यहाँ आए ग्राहकों ने बताया कि इनका स्पेशल डोसे का जो स्वाद है वो काफ़ी अलग है। इनका जो डोसा है औरों से बड़ा और टेस्टी और काफ़ी चटपटा रहता है, जिससे खाने का मज़ा दुगना हो जाता है और रेट भी कम है। हम करीब 3 सालों से इनका डोसा खाते आ रहे हैं। वही दुकानदार ने बताया कि वह अपने यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इनके यहाँ दूर दूर से लोग डोसे का मज़ा लेने आते हैं। जो डोसा हम बनाते हैं उसमें चावल, चने की दाल, मूंगफली का दाना और कई चीज़ें डालते हैं और हम अपना खुद का मसाला कूट पीस कर डालते हैं और शुद्ध तेल का यूज करते हैं, जिससे लोगों को मेरा डोसा काफ़ी पसंद है, इसलिए लोग खाने आते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। काफ़ी दिन से हो गए 15 साल जब से बराबर खा रहे हैं लोग। हाँ, कोई डिफेक्ट नहीं बता रहे हैं। और क्या क्वालिटी रहती है इन डोसों में कि लोग आपके यहाँ करीब 2-4 सालों से खाने आते हैं, और उसे क्या टेस्ट अलग है क्या इसका? टेस्ट कोई नहीं, टेस्ट सब एक ही है। जब से हम शुरुआत करें जब से एक ही चल रहा है। क्या क्या मसाले इसमें और क्या क्या मटेरियल डालते हैं आप इन्हें अपने डोसे? मसाला हम खुद यूज करते हैं, खुद बनाते हैं सांवर मसाला। और क्या क्या चीज़ डालते हैं डोसे में? डोसे में चावल है, दाल है, हाँ चने की दाल है, मूँगफली दाना है, चटनी में ये सब यूज होता है। और आपके जो डोसे हैं जी, कहाँ कहाँ के लोग आपके यहाँ डोसे खाने आते हैं? आते तो बहुत दूर तक लोग आते, हम बता नहीं पाएंगे कि गोरखपुर है, गोंडा है, बस्ती है, बनारस है, जौनपुर के हैं, काफ़ी लोग के दूर दूर के आते हैं, बनारस सिटी में है, सब आते रहते हैं। तो डोसा मंथ में 2-3 बार खाने आते हैं। क्या खासियत है इनके डोसे में जो आप खाने आती हैं? रिजनेबल प्राइस में भी है और अच्छा भी है, सस्ता भी है, इसीलिए रेस्टोरेंट से अच्छा हम लोग यहाँ इधर छाया तरफ खाने आते हैं। कब से खा रहे हैं आप इनका? हम लोग 3-4 साल से खा रहे हैं, मंथ में 2 बार तो आते ही आते हैं खाने। क्या क्वालिटी ऐसी रहती है जो आप लोग 3-4 सालों से इनका डोसा खा रहे हैं? क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से आते हैं, इसीलिए सब साफ सफाई ठीक भी है, इसीलिए सब इधर ही आते हैं ज़्यादातर डोसा खाने। और भी तो मिलता है लेकिन इधर ही सब आता है खाते। जब मार्केट आती है तो इनका डोसा जरूर खाते जी, मार्केट हो ना हो इधर डोसा खाने ज़रूर आते हैं। मार्केट का कोई वो नहीं कि हाँ शॉपिंग किया या मार्केट जाओ तो भी खाओ, ऐसे भी हम लोग आते हैं खाते। आज आप यहाँ क्या खाने आई? मसाला डोसा। क्या खासियत है इनके डोसे में और कब से खा रही हैं? अंकल जी अच्छा बनाते हैं डोसा और स्पाइसी रहता है, बढ़िया टेस्टी रहता है, कई सालों से हम लोग आ रहे हैं जी। और भी आपने कई जगह डोसा खाया होगा, और इनके डोसे में और लोगों के डोसे में क्या अंतर है? उनके डोसे में और अंकल जी के डोसे में बहुत अंतर है, क्योंकि अंकल जी का स्वाद अलग है। स्वाद जब भी आती है तो इनका डोसा जरूर खाती है? हर हफ्ते में हमारा है, हर हफ्ते ही लगभग आते हैं अंकल जी से, चाहे पूछ लीजिए।